गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अ वेरी वॉर्म वेलकम। गुड मॉर्निंग। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? गिफ्ट्स। जी हाँ, ढेर सारे गिफ्ट्स। और ये गिफ्ट्स किसके लिए है? आपके लिए। जी हाँ, आप सबको किसी ना किसी से तो गिफ्ट मिलता है ना। और गिफ्ट कब मिलता है? और ये क्या है? केक। जी हाँ, रेनबो के जैसा केक। कब खाते हैं हम केक? कब मिलता है हमें गिफ्ट? कब होती है ऐसी रोशनाई घर पे? जी हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन में। कब होती है ये सब कुछ? बर्थडे सेलिब्रेशन में। बच्चों को बर्थडे के दिन अगर गिफ्ट दो तो वो बहुत खुश हो जाते। ऐसे भी अगर आप लोगों को गिफ्ट मिलता है तो आप लोग खुश होते ही हो ना। जी हाँ, क्या लग रहा है आपको, आज मैडम ये सब क्यों बोल रही है? ये सारी बातें क्यों? मैडम का बर्थडे है? जी नहीं, आज का हमारा लेसन जो है यूनिट 3, वो है बर्थडे गिफ्ट। बस इतना ही नाम नहीं है उसका, उसका नाम है आगे बर्थडे गिफ्ट बोर्ड। जी हाँ बच्चों, पेरेंट्स अगर बर्थडे का कुछ गिफ्ट देते हैं बच्चों को, वो अलग अलग चीज़ें देते हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर में जो लड़की है जिया, उसको उसके पापा ने क्या गिफ्ट दिया है? एक बोट। जी हाँ बच्चों, बोट। और बोट कहाँ पे चलती है? पानी में। तो क्या इतनी बड़ी बोट दी उसको? जी नहीं, उसको ऐसे खिलौने वाली जिसको चाबी घुमा के वो पानी में चलती है, ऐसी बोट दी है। और ये है उसका फ्रेंड ध्रुव। तो जी हाँ बच्चों, आज हम जिया और ध्रुव की स्टोरी सुनने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट 3, बर्थडे गिफ्ट बोट। सी द एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? तो हाँ बच्चों, एक्टिविटी 1 में आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें दो बच्चे बोट में बैठे हैं, इर्द गिर्द बहुत मस्त नेचर है। तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है उस पिक्चर में, वो हमें बताना है। हाउ मेनी ट्रीज डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? तो चलो काउंट करो, कितने ट्रीज हैं? जी हाँ, 4 ट्रीज हैं। एंड हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन दिस पिक्चर? बर्ड्स कितने दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखना, छोटा बड़ा और पानी के पास, ऐसे 3 बर्ड है। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ बोट? बोट का कलर कौन सा है? जी हाँ, ब्लू कलर। नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 2। तो चलो लेसन रीड करते हैं। पुट योर फिंगर ऑन द लाइन। एक्टिविटी 2, बर्थडे गिफ्ट। जियाज फादर गेव हर अ लिटल बोट एज अ बर्थडे गिफ्ट। It was a beautiful red boat with milk white sail. Jia wound it up and it sailed in the big bathtub filled with water. Wound. WOUND. Wound का मतलब जख्म भी होता है, but यहाँ पे wound WIND wind का past tense है, मतलब घुमाना। जिया के फादर जिया के लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं? एक रेड कलर की बर्थडे गिफ्ट, एक रेड कलर की बोट लेके आए हैं। मिल्क वाइट सेल है उसको, और उसको जो चाबी है उस जिया ने उसको घुमाया और बाथटब में रखा। किसके लिए? वो सेल करे इसके लिए, मतलब वो हवा पानी में तैरे। जिया वॉज एक्साइटेड, शी कॉल्ड हर फ्रेंड ध्रुव एंड शोड हिम द बोट। अगर गिफ्ट मिलता है तो आप तो ऐसे भी एक्साइट हो जाते हो, और उसमें अगर वो गिफ्ट बोट जैसा हो जो पानी में चलता हो, कुछ वर्क करता हो, तो कितने एक्साइट होंगे। तो जिया भी उसी तरह से एक्साइट हो गई थी, और उसने क्या किया, अपने फ्रेंड ध्रुव को बुलाया। इट इज़ ब्यू, जिया वॉज एक्साइटेड, शी कॉल्ड हर फ्रेंड ध्रुव एंड शोड हिम द बोट। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बोट, बट डज इट रियली सेल? ध्रुव को भी बोट बहुत अच्छी लगी, लेकिन ध्रुव ने पूछा कि ये पानी में तैरती है
Of course, Jia said. She slowly wound the key and put the boat in the bathtub. With the whirr, the boat set off. उसने क्या किया? उसने रिप्लाई किया कि यस, हाँ वो पानी में तैरती है. और उसने धीरे से उसको चाबी घुमाई और बोट ने साउंड, बोट का साउंड हुआ व्हिर, और बोट निकल पड़ी. गोइंग राउंड एंड राउंड क्रिएटिंग रिपल्स, गोल गोल घूमने लगी. और उसने क्या क्रिएट किए? रिपल्स. रिपल्स मतलब पानी में जो स्मॉल वेव्स आती है ना, उसको कहते हैं रिपल्स. मे सेल द बोट जस्ट वन, मे आई सेल द बोट जस्ट वंस, आस्क्ड ध्रुव. ध्रुव भी तो छोटा बच्चा ही है ना, तो उसकी भी इच्छा होगी. तो उसने सामने से जिया से पूछा कि मे आई सेल द बोट जस्ट वंस, क्या मैं एक बार तेरी बोट चला सकता हूँ. तो देखो बच्चों, फ्रेंड्स एक दूसरे को चीज़ें देते हैं, चीज़ें लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और तभी फ्रेंडशिप जो बॉन्ड होता है वो मजबूत बनता है. लेकिन इस स्टोरी में जो जिया है वो बिल्कुल वैसी नहीं है. तो उसने उसको क्या रिप्लाई दिया? नो. जिया क्विकली रिप्लाई, यू विल स्पॉइल माई लवली बोट. ध्रुव वॉज हर्ट. जिया ने इतना रूडली बिहेव किया और उसको ना बोल दिया, तो ये सुन के ध्रुव को बहुत बुरा लगा. ही वेंट होम, ही स्टॉप गोइंग टू जियाज हाउस, बट शी डिड नॉट केयर. शी हैड हर लिटल रेड बोट टू प्ले विथ. शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम नियर द बाथटब. शी वॉच द बोट सेलिंग एंड वॉज हैप्पी. आफ्टर अ फ्यू डेज शी बिगेन टू गेट बोर. इट वॉज नो फन प्लेइंग विद द बोट ऑल बाय हर सेल्फ. शी विश ध्रुव वुड प्ले विथ हर अगेन. और क्या हुआ? जिया की बदतमीजी की वजह से, उसकी रूडनेस की वजह से वो जो था ध्रुव वो रूट गया. उसको बहुत हर्ट हुआ. एंड ही स्टॉप टू गोइंग टू जियाज हाउस. उसने स्टॉप कर दिया जिया के घर जाना. जी हाँ, कहीं पे अगर हमारा अपमान हो रहा हो तो हमें बार बार वहाँ पे नहीं जाना चाहिए. लेकिन जिया को बोट मिल गई थी, इसलिए उसको ज़रा भी परवाह नहीं थी. ध्रुव ने आना बंद किया, लेकिन जिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो अपने बोट में मस्त थी. तो बच्चों, ऐसा फ्रेंडशिप में नहीं करना चाहिए. अगर फ्रेंड्स को बुरा लगे तो उनको मनाना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जिया ने कुछ पहल नहीं की, उल्टा वो अपने बोट के साथ खेलने में मस्त थी. लेकिन थोड़े दिन बाद जिया को खुद को ही अकेले अकेले बोट के साथ खेलना बोरिंग लगने लगा, और उसकी इच्छा हुई कि ध्रुव उसके साथ खेले. तो देखा बच्चों, अकेले अकेले खेलना कैसा बोर लगता है. आपको भी अकेले घर पे बैठ के पढ़ाई करना बोर लग रहा है ना? स्कूल की याद आ रही है कि नहीं? सबको आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फन होती है पढ़ाई के साथ साथ, आपके फ्रेंड्स आते हैं. तो चलो, वन डे जिया वॉज सिटिंग बाय द विंडो. हर मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग. एक दिन जिया खिड़की के पास बैठी थी और उसकी मम्मी ने विंडो बंद कर ली. वाई? बिकॉज इट वॉज रेनिंग. एंड यू नो वेरी वेल, वेन देयर इज रेनिंग द ड्रॉप्स कम इन साइड द हाउस. पीटर पैटर द रेन फेल ऑन द क्लोज विंडो. एंड द हेवी रेन फेल ऑन द क्लोज विंडो एंड इट साउंड लाइक पीटर पैटर. यस, पीटर पैटर इज द साउंड ऑफ द रेन. देन जिया हर्ड अ सॉन्ग. और जिया को क्या सुनाई दिया? शी हर्ड अ सॉन्ग. कम कम चिल्ड्रन विथ योर बोट्स एंड प्ले. आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे. एंड हु सांग दिस सॉन्ग? इट वॉज द विंड्स सिंगिंग टू द चिल्ड्रन. यस, जिया को ऐसा आभास हुआ, ऐसे लगा कि मानो जो हवा है वो गाना गा रही है. और वो गाना कौन सा था? कम कम चिल्ड्रन विथ योर बोट एंड प्ले. मतलब अपने बोट के साथ आओ और मैं हवा के बहाव के साथ, पानी के साथ तुम्हारी बोट को दूर तक ले जाऊंगी. इन अ लिटल व्हाइल द रेन स्टॉप. जिया लुक आउट ऑफ द विंडो. ऑल द चिल्ड्रन हैड रश आउट टू पुट देयर पेपर बोट्स इन अ स्ट्रीम बाय द रोड. थोड़ी ही देर में जब बरसात बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, तो जिया ने खिड़की खोल के देखा कि जो बच्चे हैं
वो अपनी अपनी पेपर बोट जो है वो रोड पे जो स्ट्रीम है छोटा सा पानी का बहाव है उसमें रख रहे हैं। देयर वेयर पिंक बोट्स एंड वाइट बोट्स बिग बोट्स एंड लिटल बोट्स। कैसी कैसी बोट्स रख रहे थे? जी हाँ, कागज़ की थी इसलिए वो कलरफुल थी। यू नो द पेजेस आर कलरफुल, मस्त मस्त एकदम कलर है उनके, पिंक पर्पल वाइट ब्लू। ओके, दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स। और कागज़ के थे इसलिए उनका वेट जो है कम होता है, लेकिन जो वेव्स थी वो बड़ी बड़ी तो उनके साथ वो बढ़ते थे गिरते थे, ऐसी वो बोट आगे बढ़ रही थी। द बिग बोट्स ओवरटर्न एंड सैंक व्हाइल द स्ट्रॉन्ग वंस सेल ऑन। जो विग थी जो पतले कागज़ की थी वो तुरंत ओवरटर्न मतलब उल्टी हो जा रही थी और डूब रही थी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग थी वो आगे आगे बढ़ रही थी। आई विल टेक माई बोट टू, थॉट जिया। जिया को भी ख्याल आया कि मैं भी अपनी बोट लेके जाती हूँ। शी वॉश हर बोट, इट बिकेम ब्राइट एंड शाइनिंग। शी वेंट अप टू द स्ट्रीम, शी ओन द की एंड केयरफुली पुट द बोट इन वाटर। उसने नीचे जाने से पहले अपनी बोट को वॉश किया, उसको चमकाया और फिर नीचे लेके गई और धीरे से उसको चाबी घुमाई और उस स्ट्रीम में उसने बोट को रखा। विर विर, ये किसका साउंड है? जी हाँ, बोट पानी में चलती है, ये उसका साउंड है। इट वेंट क्विकली, इट लेफ्ट ऑल द पेपर बोट्स बिहाइंड। और उसने क्या किया, वो मशीन ही है ना, एक्चुअली उसमें मशीन लगा है इसलिए उसने सारे पेपर बोट्स को पीछे छोड़ दिया। शी लुक प्राउडली एट अदर चिल्ड्रन, लुक एट माई बोट, शी क्लैप। और उसको अपने पे गर्व महसूस हुआ, उसने प्राउडली खुद की तरफ बच्चों की तरफ देखा और बच्चों को कहा कि मेरी बोट देखो, और तालियां बजाने लगी। जी हाँ, उसकी बोट आगे बढ़ रही थी इसलिए वो तालियां बजा रही थी। सडनली अ पीस ऑफ वुड बैंक इन टू जियाज बोट एंड इट ब्रोक इन टू पीसेस। और क्या हुआ, जैसे ही जिया की बोट आगे आगे जा रही थी, एक जो पीस ऑफ वुड है लकड़ी का टुकड़ा, वो जिया के बोट में लगा और जिया की बोट टूट गई। शी सैट डाउन एंड क्राइड, और वो नीचे बैठ के फिर रोने लगी। जी हाँ बच्चों, अगर कोई खिलौना टूटता है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? जी हाँ, उसको भी लगा और वो रोने लगी। लेकिन देखो, जिया भले खुदगर्ज है लेकिन उसका जो फ्रेंड है ध्रुव वो कितना अच्छा है। वो आता है और कहता है, डोंट वरी, यू शैल प्ले विथ माई बोट। शी लुक अप, ध्रुव वॉज होल्डिंग अ रेड बोट इन हिज हैंड, इट वॉज जस्ट लाइक जियाज बोट। ध्रुव आता है और अपनी फ्रेंड को कहता है कि डोंट वरी, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे बोट के साथ खेल सकती हो। पापा बॉट इट फॉर मी, ध्रुव एक्सप्लेन, कम लेट अस सेल इट इन द बाथटब। जिया स्माइल, देयर दे वेयर फ्रेंड्स अगेन। ध्रुव जो है उसके पापा ने सेम उसको जिया की जैसे ही बोट ला के दी है और ध्रुव कहता है कि मेरे पापा ने ये मेरे लिए लाई है, तो भले तुम्हारी बोट खराब हो गई है लेकिन चलो हम इस बोट के साथ खेलते हैं। और वो फिर से फ्रेंड बन गए। तो देखा बच्चों, हमेशा फ्रेंड के साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छा बिहेव करो। ओके, क्योंकि अगर फ्रेंड्स चले जाते हैं, एक बार फ्रेंडशिप टूट जाती है तो हमें ही बुरा लगता है। एक अच्छा फ्रेंड जो होता है वो हमेशा अपने फ्रेंड की हेल्प करता है। बोट का लेसन तो हमने देख लिया। ओके, तो ड्राइंग करना पसंद है कि नहीं? किसे नहीं पसंद, ड्राइंग करना तो सबको पसंद है। ये है एक्टिविटी 3 ऑन पेज नंबर 22। तो इसमें क्या करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बोट इन अ बाथटब एंड कलर इट। एक बाथटब निकालना है, उसमें एक छोटी सी बोट ड्रॉ करनी है और कलर करना है। तो आई होप ये एक्टिविटी आप सबको अच्छी लगेगी। एक्टिविटी 4, 5, 6, 7 एंड 8 मैं आपको PDF कर दूंगी। ओके बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।